नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए मॉड्यूल के बारे में जो कि लॉगिन डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लॉगिन डेस्टिनेशन जब हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी हमें कस्टमाइजेशन चाहिए होता है लॉगिन टाइम और लॉगआउट टाइम, तो ईज़िली इससे हम लोग एडमिन पैनल का यूज़ कर सकते हैं और उससे हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, किस टाइप का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमारा कोई यूज़र है और हम उसको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेट कराना चाहते हैं कि जब वो लॉगिन करे तो इस पेज पे जाके उसको वेलकम मैसेज मिले, तो उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। या लॉग आउट होने के बाद हम थैंक्स फॉर विजिटिंग इस टाइप का मैसेज देके उसको उस पेज पे रिडायरेक्ट करा सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए, इस फंक्शनलिटी को यूज़ करने के लिए हम लोग लॉगिन डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे। देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों, इस मॉड्यूल को जो भी आपका रिकमेंडेड वर्ज़न है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और उसको कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए। डाउनलोड करके मैंने इसको ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में डाल लिया है। अब इसको हम लोग इनेबल कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग मॉड्यूल के पेज पे जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल के पेज पे यहाँ देखिए आ गया लॉगिन डेस्टिनेशन। इसको हम लोग यहाँ से इनेबल कर लेंगे। सेव कॉन्फ़िगरेशन, सेव करने के बाद हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाएंगे। देख लेते हैं, इनेबल हो गया मॉड्यूल हमारा, ये देखिए इनेबल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन इसके पेज पे जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये वो यहाँ से हम लोग जो भी हमें रूल सेटअप करना है, या तो लॉगिन टाइम हो या तो लॉगआउट टाइम हो, किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के लिए, चाहे कोई भी यूज़र रोल हो, उस टाइप की हम कंडीशन लगा के उसको किसी भी पेज पे या रिडायरेक्ट करा सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर ऐड लॉगिन क्लिक किया तो ये हमारा वो सेटिंग्स का पेज है जहाँ पर हम सेटअप करेंगे। तो ये रिडायरेक्ट टू पेज, दिस यहाँ पर हम वो यूआरएल डालेंगे जिस पेज पे हमें रिडायरेक्ट कराना है। ठीक है, और किस टाइम कराना है, लॉगिन टाइम कराना है या लॉगआउट टाइम कराना है, वो यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। और किसी अगर स्पेसिफिक पेज से अगर हमको रिडायरेक्ट कराना है कि मेरा ये पेज था, इस पेज पे अगर यूज़र आके यहाँ से लॉगिन करता है या लॉगआउट करता है तो हमें किस पेज पे रिडायरेक्ट कराना है, अगर स्पेसिफिक पेज आप यूज़ कर रहे हो रिडायरेक्ट के लिए, तो आपको यहाँ पर उस पेज का यूआरएल डालना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सेटिंग दी हुई है कि आपको किस रोल के लिए करना है, एडमिन के लिए करना है या फिर यूज़र के लिए करना है। ये जहाँ पर वो सारे रोल आपके आ रहे होंगे तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर कर लेते हैं। हम एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों, हम एक एडमिन को लॉगिन कराएंगे और उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करा देंगे। अभी दोस्तों हमारा जो लॉगिन हम लोग करते हैं वो फ्रंट पेज पे चला जाता है, जो भी आपका होम पेज का नोड हो इस पर चला जाता है। तो डैशबोर्ड का जो यूआरएल है वो ये है, admin/dashboard। तो इस पेज पे हम लोग उसको रिडायरेक्ट कराएंगे। तो इस पेज के रिडायरेक्ट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर वो यूआरएल सेट करेंगे जिस पे हम लोग रिडायरेक्ट कराना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया admin/dashboard, हमें इसको लॉगिन टाइम कराना है। फिर उसके बाद हम कोई स्पेसिफिक पेज यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया। आइए देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम इसको पहले लॉग आउट करते हैं यहाँ से। लॉग आउट करने के बाद हम इसको लॉगिन करते हैं अपने एडमिन पैनल की डिटेल से। ये हो गया लॉगिन और ये आ गया दोस्तों admin/dashboard पे। ठीक है, चेक कर लिया। अगर हम इस फंक्शनलिटी को बंद करते हैं तो ईज़िली एक और तरीका है कि अगर बीच में हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं, फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे जाएंगे।
यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है इनेबल ये चेकबॉक्स का, अगर आपने अनचेक कर दिया तो ये फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाएगी, ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो चेक करने के लिए देखिए एक बार फिर लॉग आउट करते हैं। अब ये कहाँ लॉग, अब जाना चाहिए इसको होम पेज पे जाना चाहिए, तो होम पेज पे देखते हैं जा रहा है कि नहीं। ये देखिए नोट के पेज पे चला गया होम पेज पे। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो कि हम अपने पर्टिकुलर यूज़र को या कोई हमारे पास रोल हो या किसी भी टाइप का हम अगर लॉग आउट ही करा रहे हों तो हम उसका एक हमारे पास कोई बेसिक पेज या हमारे पास कोई भी डेस्टिनेशन हो कि हमें यहाँ पर उसको रिडायरेक्ट कराना है, तो ईज़िली आप उसको फंक्शनलिटी ऐड करके वहाँ से ये कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो लॉगिन डेस्टिनेशन के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।